कल हनुमान जयंती थी, जहां लोगों ने धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई। एक तरफ जहां मंदिरों में भजन कीर्तन किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कानपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें हनुमान जी पुलिस की कार्यशैली से दुखी है। वहीं ऐसा ही नज़ारा चकेरी थाना क्षेत्र की कोयला नगर चौकी में स्थित बजरंग बली के मंदिर में देखने को मिला। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। दरअसल बताया जा रहा है कि कानपुर के हनुमान मंदिर में जहां दरोगा गिरिजेश कुमार गिरी जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पूजा करने लगे, वैसे हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल आए। इस खबर के फैलते आसपास के लोगों का हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर में तांता लग गया, जिसके बाद अधिकारी भी मामले का संज्ञान लेने पहुंचे, लेकिन उस वक्त हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं थे। वहीं बताया जा रहा है कि इस खबर के बाद दरोगा गिरिजेश कुमार गिरी भी नाटकीय ढंग से लापता हो गए हैं। अब वीडियो किसके द्वारा वायरल किया गया इसकी अभी जांच चल रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की दाई आंख से आंसू निकल रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां आंसू का विषय कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब पुलिसकर्मी भी जानने में लग गए कि आखिर थाने के अंदर बने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की आंखों में आंसू कहां से आए। वहीं कानपुर के SP अमरनाथ कहते हैं कि प्राथमिक जांच में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वीडियो किसके द्वारा वायरल किया गया है इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। वीडियो किसने वायरल किया है, जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। अब देखते हैं कि जांच में क्या आता है, क्या वाकई हनुमान जी रोए या नहीं। वहीं इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।